había suficiente saco al disco, disco mudaje. ¿Disco me? ¿Disco me qué creo? ¿Cómo se dice el brown guiar? अब डांस कर सकते हो आप? सांस फूल जाए थोड़ी देर में ही मोटापे का डांस करते ही नहीं करना आता ही नहीं डांस सीख लेंगे गली के साथ जाएंगे तो सीख लेंगे डिस्को तो मैंने जाना छोड़ दिया 6 महीने 4 महीने क्यों मेरा एक फ्रेंड आता था डिस्को जो जाते थे हम लोग अब वो आने रहा आनंद कहाँ रहे हैं 4 महीने हो गए सुन ले ये अपना डबल चिन कैसे खत्म किया कौन सी एक्सरसाइज डबल चिन कहा था मैडम थोड़ा आगे चल रहा दारू तो इतना वो था ना मेरा हफ्ते में 2 दिन तो पीता था अब 1 दिन भी मुश्किल से पीता हूँ मैडम विस्की जो है सबसे ज्यादा एनर्जेटिक चीज यही है लाइफ में इससे सारी एनर्जी इससे मिल गई तो जो भी आप खाना वाना खाओगे वो फालतू एनर्जी हो गई आपकी तो वो इसके साथ खाना ही तो जितना भी एनर्जी आप लोगे वो फैट में क्रिएट होगा और क्या होगा और आपके अगर बॉडी एक्टिविटी नहीं है कोई भी एक्सरसाइज नहीं है जॉगिंग नहीं है आजकल जॉगिंग कर रही हूँ यार वो रस्सा कूदने वाले जो मैंने कहा वो करते रहो बस वो बढ़ाती रहना 7 बजे तक करती हूँ एक्टिविटी करती हूँ वो जॉगिंग वाली जो है ना रोज की जो है 5 या 10 बढ़ा दो 5-10 बढ़ाती रहोगी तो आपका आपका जॉगिंग से अच्छा सीढ़ियाँ कम से कम 1 दिन 5 बार 4 दूसरे दिन 7 बार नहीं भाई ने अपना पेट कम करा था भाई कितना 5-6 फ्लोर तक 80 ज्यादा था 12 फ्लोर फिर उसने 12 फ्लोर तक कर लिया था धीरे धीरे लेकिन फिर उसको टांगों में प्रॉब्लम हो गई तो पेट खत्म कर लिया था उसने टांगों में वॉक करना ही ठीक है पार्क में ऑक्सीजन भी मिलता है नहीं पार्क में तो अच्छा है नहीं 1-2 फ्लोर तक तो ठीक है 3-4 फ्लोर तक नहीं जाना थी करियर एक बार क्या हुआ कि थर्ड फ्लोर पे सरदार ने दबा दिया फिर वो पिता के पास फ्लोर पे दौड़ती उसी फ्लोर पे अच्छा मेरे साथ आपके सामने गए तो मैंने देखा मेरा ही मैटर एक्सप्लेन हो रहा है सर सर मैं एफआईआर पढ़ देती हूँ जैसा मैं तो वैसे पागल चल गया मैडम सांस चढ़ गई छोड़ो भाई मैडम आ जा रही हूँ लड़ने करेंगे कहाँ से आए हो मैं सर थर्ड फ्लोर से चढ़ती हुई आ रही हूँ सर मैं आर्ग्यू कर देती हूँ चलो लिखो ऑर्डर प्रोटेक्शन हैज बीन गिवन टिल 5th ऑफ डे आप 5 तारीख को कर लेना आराम से चलो मैडम की सांस चढ़ गई आ जा रही हूँ लड़ने करेंगे मुझे तो कल परसों नमस्ते दे जाए माता जी को मेरा नमस्ते अरे उसके बच्चे नहीं बड़े बड़े मुझे माता जी कह के माता जी को समझ नहीं आ रही बात मेहता ने मुझे नमस्ते भेजा कि माता जी को मेरा नमस्ते कह देना एक बार क्या हुआ उसकी क्या उम्र होगी मेहता की वैसे आपके हिसाब से सुनो 4:05 पर मैं एप्लीकेशन लेके गई फैसिलिटेशन सेंटर पे इसे ले नहीं ले सकते थी 4 बज गए मैं थोड़ी चलते मेहता साहब के पास पहुँच गई मेरे साथ बोलो कि संतोष वो रमेश गुप्ता जी के चैम्बर से मीना मैडम आई है बुला लिया क्या प्रॉब्लम है सर बेल एप्लीकेशन नहीं ले रहे मेरे को फिर चाकी मिल जाएगी नहीं ले रहे बुला जी फैसिलिटेशन सवाल